हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ ताज़े हरे मटर से एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ ही एक चटनी भी शेयर कर रही हूं जो कि इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ताज़ा हरे मटर से बनी हुई ये रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है बनाने में आसान भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिए हैं 1 कप मटर। ये फ्रेश मटर है और आजकल मटर का सीज़न है तो मटर बहुत अच्छा भी आ रहा है, सस्ता भी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। 1 कप मटर ली है। यहाँ पे पानी मैंने बॉईल कर लिया है। इस उबलते हुए पानी में मटर को ऐड कर लेंगे और मटर को हम एक उबाल आने तक उबलने देंगे। इसमें एक अच्छा सा उबाल आएगा, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढक करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत अच्छा सा उबाल इसमें आने लगा है। इसको ढक देती हूँ और ढक करके मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 2 मिनट के बाद मटर को निकाल करके वॉश करके निकाल लेंगे, पानी इसका निकाल देंगे सारा। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कप सूजी। आधा कप सूजी लिया है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक वाली, मोटी वाली। यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने 1/4 कप दही लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने ऐड कर लिया है, 2-3 चम्मच पानी डाला है। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च बारीक काट करके ले ली है। इसके साथ ही मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, बारीक काट करके ले लिया है। हरा धनिया बारीक चॉप करके, इसमें आप अपने मन के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो सब्जियाँ वो डाल सकते हैं, जैसे गाजर डाल सकते हैं आप इसमें। मटर तो हम डाल ही रहे हैं, इसमें गाजर आप डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। अगर पेस्ट नहीं है तो आप अदरक और लहसुन को थोड़ा सा घिस करके या कद्दूकस करके डाल सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे मटर थे, इनको मैंने छलनी में रख दिया था, पानी सारा निकल गया है और थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं, तो इसको मिक्सी के जार में डाल करके हम बारीक दरदरा सा बारीक करके पीस लेंगे। थोड़ा बारीक हो जाएगा, थोड़ा दरदरा रह जाएगा, इस तरीके का आपको पीसना है। मटर को भी इसमें ऐड कर लेंगे, दही और सूजी से जो मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं उसी के अंदर ये हरा मटर भी ऐड कर लेंगे और मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। इसमें थोड़ा पानी डाल करके हम बाद में यूज़ कर लेंगे। इसमें डाल रहे हैं कुछ मसाले। इसमें आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने। आधा छोटी चम्मच इसमें लेंगे हम नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच भर के इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं इसकी जगह पे। तो इसको अच्छा सा तीखा चटपटा बनाने के लिए आप लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करें या चिली फ्लेक्स, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमने इसमें हरी मिर्च भी यूज़ की है तो ये काफ़ी तीखा हो गया है। अब हम इसको दही के साथ अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मिक्स कर लिया मैंने। अब जो मिक्सी का जार था उसी में मैंने थोड़ा पानी डाला है, तो आधा कप के बराबर मैंने पानी डाला है। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और एक बार मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत पतला हो सकता है। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है अभी, तो बस इस तरीके का से रखना है। 1/4 कप के बराबर पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो जब तक हमारा बटर रेस्ट कर रहा है, हमने यहाँ पे ले लेनी है 1/3 कप रोस्टेड चना दाल। हम इसकी बनाएंगे चटनी। इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का छोटे इसमें काट करके मैंने डाल दिया है। 2 हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। 1 छोटी चम्मच इसमें हम जीरा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से। नमक मैंने इसमें पहले भी डाल दिया था थोड़ा सा, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। जीरा डालेंगे 1 छोटी चम्मच और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, बारीक करके पीस लेंगे। थोड़ा पानी डाल लेंगे इसमें। तो ये देखिए, हमने पीस लिया। ये थोड़ा सा दरदरा सा पिसा है अभी, इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले हम चम्मच की हेल्प से निकाल करके इस तरीके से अंदर जार में कर देते हैं और इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। पानी डाल करके मैंने इसे पीसा है। अब ये बिल्कुल बारीक सी पीस के तैयार हो गई है और बिल्कुल इसी तरह के टेक्सचर की हमें चटनी चाहिए। तो ये हमारे रोस्टेड चना दाल की चटनी रेडी है। आप इस चटनी को डोसा के साथ, अपे के साथ, इडली के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। 2 चुटकी के करीब हम इसमें हींग डाल देंगे और 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें
मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने या फिर राई के दाने आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये बारीक वाली सरसों है, मैं ये डाल रही हूँ। 5-6 पत्ते करी पत्ता के डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस ये हमारा तड़का रेडी है, इसको हम चटनी के ऊपर डाल देंगे तो हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी इस तड़के की वजह से। चटनी हमारी रेडी है, आपे का बैटर देखते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा आपे का बैटर जो है काफ़ी फूल करके थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। ये देखिए सूजी थी इसके अंदर, तो सूजी थोड़ी सी फूलती है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, आप चाहें तो बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल लें, या फिर हम इसमें इनो डाल सकते हैं। तो 1/2 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट। 1-2 चम्मच इसमें पानी डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे ये इनो एक्टिवेट भी होगा और हमारा बैटर थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा पहले से, क्योंकि थिक हो चुका है ये थोड़ा सा। तो बस ये आपे का बैटर रेडी है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर ले। पैन में थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म करने के लिए रखेंगे, और इसको एक ब्रश की हेल्प से हम चारों तरफ फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एक ब्रश ले लिया है, इसकी हेल्प से इसको चारों तरफ इस तरीके से फैला दूंगी। और अब इसमें हम आपे का बैटर डालेंगे, तो 1-1 चम्मच के करीब हम इसमें आपे का बैटर डाल देंगे। फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है इस वक्त, और 1-1 चम्मच हम इसमें बैटर डाल करके इसको पकने देंगे। ढक करके हम इसे 2 मिनट के लिए रख देंगे और 2 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये मैंने बैटर डाल दिया, इसको ढक दिया मैंने, 2 मिनट के बाद मैंने चेक कर लिया। और इस तरीके से जब ऊपर से ये आपको थोड़ा सा ड्राई ड्राई नज़र आएगा तो आप इसको पलट के दूसरी साइड से भी सेक लें। तो इसको बहुत ही कम ऑयल में आप बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है, हेल्दी भी है और ये खाने में टेस्टी भी है। तो बस इसको उलट पलट करके दोनों साइड से हम अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई सेक लेंगे। ये देखिए ये हमारे अप्पे बन के रेडी हैं। ताज़े हरे मटर से बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनता है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये मैंने देखिए चटनी के साथ और दही के साथ सर्व कर लिया है।